हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी आज के डिजिटलाइज्ड आज के कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड के अंदर जो है हमारे सिस्टम्स की सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा और एक मेजर कंसर्न है। इसी के लिए जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और मल्टीपल कॉलेजेस ने जो है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी यानी हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए जो है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी नाम का जो है एक सब्जेक्ट जो है अपने करिकुलम में ऐड किया। सो हेलो एवरीवन, मैं अनिरुद्ध इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर एड्यू में। तो इस आज की वीडियो में हम हमारे इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसके अंदर जो है हमने कुछ पार्ट्स में कुछ यूनिट्स में जो है हमारे सिलेबस को जो है डिज़ाइन किया है जो कि प्रॉपर AKTU या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसने इस कोर्स को अपने करिकुलम में ऐड किया है उसके बेसिस पे जो है हमने इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहला पार्ट और सबसे पहले यूनिट जिसके अंदर जो है हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी होती क्या है और इन सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से हाईजैकिंग पार्ट्स हैं और उनके डिफेंस मेजरमेंट्स क्या है ताकि हम उनसे बच सकें। तो ये बेसिकली हमारा एक मॉड्यूल फर्स्ट रहने वाला है जिसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन और कैसे उन चीज़ों पर अटैक्स होते हैं, कौन कौन से अटैक्स होते हैं और उनके डिफेंस के बारे में जानेंगे। सेकेंड मॉड्यूल हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज के बारे में। इन कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है इस सेकेंड मॉड्यूल के अंदर जो है जो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं, कॉन्फिडेंशियल हमारा डेटा होता है, उनसे रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट ने और क्या क्या IT सिक्योरिटी टीम्स ने जो है कुछ पॉलिसीज डिज़ाइन की है जो हमारे सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस होती है ताकि हम जो है इस सिक्योरिटी अटैक से बच सके, उन सब के बारे में इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड हमारा मॉड्यूल जो रहने वाला है इसके अंदर वो है सिक्योर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल आइसोलेशंस एंड लीज। जो भी हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन होते थे पहले, जैसे कि हमारे वेब ब्राउजर्स होते थे, कुछ एप्लीकेशंस होती थी, उनका जो आर्किटेक्चर था वो बेसिकली एक अलग वर्जन पे काम करता था और आज जितने भी सिक्योर्ड आर्किटेक्चर सिक्योर्ड सिस्टम बन रहे हैं उन सबके लिए एक अलग आर्किटेक्चर है। तो उस बेसिक आर्किटेक्चर और उन पुराने आर्किटेक्चर्स की कुछ कमियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसी के अंदर एक हमारा सेकेंड पार्ट आता है वेब सिक्योरिटी लैंडस्केप। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वेब एप्लीकेशंस जो कि ब्राउजर पर हम वेबसाइट सर्च करते हैं, यूज़ करते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसका जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, दैट हाउ वी कैन अप्रोच दैट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स। फोर्थ मॉड्यूल जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा बेसिक क्रिप्टोग्राफी। जो करंट कुछ पास्ट 2-3 ईयर्स बैक में जो एक मॉडर्न वर्ल्ड में चेंज आया है सिक्योरिटी को लेकर, उसका सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर है क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर जो है हम हमारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो उसके अंदर हम जो है हमारे जो भी हमारा डेटा है उसको हम किसी तरीके से कोड डिकोड करते हैं ताकि वो कहीं पर भी जो है थर्ड पार्टीज़ के बीच में शेयर ना हो। तो ये हमारा एक बेसिकली फोर्थ मॉड्यूल रहने वाला है जिसके अंदर हम प्योर क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानेंगे, दैट व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी। एंड फिफ्थ और लास्ट मॉड्यूल जो हमारे कोर्स का रहने वाला है वो है हमारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, जो भी हमारे वेब एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर हैं, वो सभी अपनी जगह पे सेफ है, अपनी जगह पे ठीक है, बट किसी ना किसी तरीके से जो है हम अपने डेटा को जो है अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द वर्ल्ड शेयर करते रहते हैं और उसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो उस इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें और ताकि जो भी हम इस कोर्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं उन सभी का हम एक राइट वे में जो है यूटिलाइज कर सके। तो ये कुछ 5 मॉड्यूल में हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है और ये पूरा कंप्लीट जो कोर्स है हमारा, कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स हो, यूनिवर्सिटी लेवल्स के एग्ज़ाम्स हो, या जनरल आप कैसे अपने डेटा को कैसे अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर हमने पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया है।